तो आप सबने देखा कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे उसमें और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र, पहले अपनी हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, दिल्ली में जगह जगह मेन सप्लाई पाइपलाइंस को तोड़ना और आखिरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ना, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे हमला करना, गुंडागर्दी करना, साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हमने इस गुंडागर्दी की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। ये वीडियो मैंने खुद दिल्ली पुलिस के साउथ दिल्ली के डीसीपी को भेजा है और अब हम इंतजार करेंगे इस बात का कि क्या दिल्ली पुलिस रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल करती है कि नहीं करती। क्या दिल्ली पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, जो दिल्ली के एलजी साहब के अंडर आती है, क्या इस वीडियो का संज्ञान लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पे एफआईआर करेगी?